हमने आपको कुछ आकारों के बारे में बताया था, आपको बताया था कि कुछ वस्तुएं रखने से हमें आकार प्राप्त होते हैं, आकृतियां प्राप्त होती हैं। जैसे आपकी किताब है, किताब को अगर हम बोर्ड पर रख दें तो इस प्रकार की आकृति आपके से पास बने। तो आपने यही लिखना है आज कि कौन कौन सी आकृति किस किस आकार से बनती है। जैसे आयत है, ये किस किस से बनेगी? किताब से बनेगी। और सोचो जरा, डिब्बे से बनेगी ना, डिब्बा है जैसे, डिब्बे को रख दें तो छप्पा ऐसे बनेगा ना, डिब्बा। और आपकी ज्योमेट्री बॉक्स, ज्योमेट्री बॉक्स और रबड़ होती है ना आपकी, उसमें ज्योमेट्री बॉक्स में रबड़ से भी ऐसी बनेगी। और भी बहुत सारी वस्तुएं जैसे फट्टा है, या और भी आपके आसपास बहुत सारी वस्तुएं हैं जिनसे इस प्रकार की आकृति बनती है। वर्ग किससे बनता है? ध्यान से देखना आपने, सोचो जरा, ये जो खेलने वाला होता है ना आपका लूडो का डाइस, लूडो का पासा, उससे बनेगा। या ये खेलने का घन, इसका छापा वर्ग बनेगा। इसी प्रकार इस आकार के भी कुछ जैसे पेंसिल है, ये सुंदर बनाने के लिए देखो ये त्रिकोणाकार बना दिया, त्रिकोणा है, त्रिकोणे आकार की कौन कौन सी वस्तु होती हैं? जैसे एक तो पेंसिल का किनारा, पेंसिल का पीछे का किनारा, पिछला किनारा, और कई बार जो गोली होती है हमारी, जब किलो में टेबलेट खाते हैं ना गोली, वो भी सिर्फ होती है। और आप सोच अपने आसपास से आकार देखें इस पर कौन कौन सा। अब देखिए गोला, ये वृत्त किस किस का है? अब गेंद है, अगर हम गेंद को यहाँ रख के छपा बनाएं तो ऐसे बनेगा ना, तो क्या होगा इसका उदाहरण? गेंद। और आपकी मम्मी हाथों में डालती गोल गोल चूड़ी, कंगन, और भाई रोटी, और क्या होती हैं ऐसी ऐसी हमारे पास बहुत सारी वस्तुएं हैं। और देखो क्या होती हैं, लड्डू जैसे हमारी दुकान में बहुत सारी वस्तुएं ऐसी होती हैं। इस प्रकार इन वस्तुओं के आकार ऐसे बनते हैं। आपने अपने आसपास की वस्तुओं के आकार वस्तुओं को देखकर उनको आयत, वर्ग, त्रिभुज और वृत्त में अलग अलग विभाजन करना है। धन्यवाद।